मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। इंदौर के क्षत्रिय बाग में एक ऐसा स्थान है जो इतिहास समेटे हुए खूबसूरती के साथ अपनी दास्तां कहता है। वो स्थान है हरिराव होलकर की छत्री। इस छतरी का संरक्षण कार्य स्मार्ट सिटी कंपनी के द्वारा किया गया है। यहाँ पर 100x100 वर्ग फीट में फैली 50 फीट गहरी बावड़ी भी है, जिसमें चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई है जो बहुत आकर्षक लगती है। सीढ़ियों पर चढ़कर यदि हम इस छतरी को देखते हैं तो दृश्य सुंदर दिखाई देता है। शांत वातावरण, पेड़ों की छाव, घास और पौधों की हरियाली, बावड़ी की बनावट और छतरी पर की गई नक्काशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। Thank you.
यहाँ पर मूर्तियाँ मराठा शैली में बनी है, जबकि छतरी का शिखर पंचरथ शैली का है। यहाँ बनी ऋषियों की प्रतिमाओं में दक्षिण भारतीय मंदिरों जैसी स्थापत्य शैली दिखाई देती है। ये प्रतिमाएं काले पत्थर की है, जबकि कलाकृतियां लाल पत्थर की बनी हुई है। जिन हरिराव होलकर की ये छत्री है, उनका निधन 26 अक्टूबर 1843 को हुआ था। जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ, वहीं ये छत्री बनाई गई है। ये छत्री मल्लाराव होलकर द्वितीय के चचेरे भाई हरिराव होलकर की है। मुख्य छतरी में भगवान शिव और हरिराव होलकर और उनकी पत्नी की प्रतिमाएं भी हैं। अठारह से 1843 तक शासन करने वाले हरिराव मल्लार राव की ये छतरी खूबसूरत है। 12 मेहराबों के स्तंभ पर निर्मित होना इसकी खूबी है। इसके प्रदक्षिणा पथ पर हनुमान, युगल, गंधर्व, भैरव, गणेश, राम दरबार, द्रौपदी, स्वयंवर, कृष्ण लीला, दशा अवतार, शिव पूजा, लक्ष्मी स्नान आदि आकृतियां पत्थरों पर तराशी गई है। घाट के समीप बनी इस छतरी की दीवार पर देवी देवताओं की मूर्तियां अंकित है। साथ ही आखेट, प्रेम, शासन, गुरु, नारी श्रृंगार, महाभारत और रामायण के दृश्य, पूजन के दृश्य भी पत्रों को तराश कर अंकित किए गए हैं। Thank you.
यहाँ पर तात्या जोग, विठल राव क्यूबे, बापूराव आदि की छत्रियां भी बनी हुई है। आइए इस वीडियो के माध्यम से इस छतरी के सुंदर दृश्य देखते हैं मेरे चैनल पर। और हाँ, पूरा वीडियो आप देखिएगा और अपने बच्चों को इस इतिहास के बारे में जानकारी दीजिए।